जी हाँ, इंदौर के प्रशासनिक कार्यालय में आज एक अनूठा नजारा देखने को मिला। यहाँ पर उस वक्त लोगों में कोतहल का विषय बना जिस वक्त एक निर्वाचित पार्षद वहां पर कलेक्टर कार्यालय में व्हील चेयर पे पहुंचे। हम आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही इंदौर में नगर निगम के चुनाव संपन्न हुए और उसमें जो निर्वाचित पार्षद हुए उनकी शपथ विधि होने के बाद सभी पार्षद अपने अपने क्षेत्रों में काम करने की शुरुआत कर चुके हैं। और उसी के बीच एक जो बीजेपी से निर्वाचित पार्षद थे जिनका नाम लाल बहादुर वर्मा है, उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वो अस्पताल में यहां पर भर्ती थे, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और उसी के कारण वो यहां जो निर्वाचित होने के बाद शपथ नहीं ले पाए थे और उसी को लेकर यहां पर फिलहाल प्रशासनिक कार्यालय में पहुंचे थे। क्योंकि यह माना जाता है कि अगर 90 दिनों के अंतराल में अगर आप शपथ नहीं लेते हैं तो जो पार्षद होता है उसका जो निर्वाचन होता है वो शून्य हो जाता है। उसी को लेकर यहां पर लगातार जितने पार्षद हैं वो अब जो है अपनी शपथ विधि पूरी कराने के लिए पहुंच रहे हैं और उसी के बीच यह अनूठा नजारा इंदौर के प्रशासनिक कार्यालय में देखने को मिला जब लाल बहादुर वर्मा जो निर्वाचित पार्षद हैं और वो वहां पर व्हील चेयर पे पहुंचे। उस समय लोगों में काफी कोताहल का विषय था, लोग वहां पर यही देख रहे थे कि ये जो व्यक्ति है ये किस प्रकार से यहां पे पहुंचा और यहां अपने जो निर्वाचित हुआ था उसको लेकर शपथ यहां पर ली गई। जिस वक्त वो यहां पर पहुंचे इंदौर के प्रशासनिक कार्यालय में इंदौर के जिले के कलेक्टर मनीष सिंह वहां मौजूद थे और उनके साथ में जो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के विधायक हैं रमेश मेंदुला दादा दयालु वो भी वहां मौजूद थे। उन्हीं के साथ में जो निर्वाचित पार्षद हैं राजेंद्र राठौर जो फिलहाल एमआईसी सदस्य हैं वो भी वहां पर मौजूद थे और उसी के साथ नगर निगम के सभापति मुनालाल यादव भी उनके उस कक्ष में मौजूद थे। वहां पर उनको व्हील चेयर पर बैठा कर उनके स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उनको व्हील चेयर पर बैठाया गया, व्हील चेयर पर बैठाकर उनको शपथ दिलवाई गई और यहां पर जो चुनाव जीत के यहां निर्वाचित होकर पहुंचे थे लाल बहादुर वर्मा शपथ विधि के बाद उन्होंने स्वस्थ होने के बाद वार्ड में जाकर जनता की सेवा करने का भरोसा दिलाया। और इसी के साथ ये जो एक अनूठा नजारा यहां पर देखने को मिला क्योंकि माना ही जाता है कि विधानसभा दो में जो उनके कट्टर समर्थक है वो उनकी गिनती में आते हैं और उसी को लेकर यहां पर एक ये बड़ा जो नजारा देखने को मिला और जो पूरे प्रशासनिक कार्यालय है उसमें एक कोतहल का विषय बना। और उसके बाद लगातार आने वाले समय में उनका यही कहना है कि ये जो पार्षद जीत चुके हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में इसी प्रकार से जो जनता है उनकी सेवा का काम लगातार जारी रखेंगे।